हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं और बनाने के क्या तरीके होंगे, क्या क्या ऑप्शन आएंगे और क्या आप लोगों को करना होगा, कैसे पब्लिश करना है, सब कुछ आज के दिन इस वीडियो में आप लोग जान जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जानिए कि आप लोग कैसे अपना शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोज़। तो चलिए इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। आई लव टेक चैनल पर जो लोग पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना ताकि जब भी न्यू अपडेट और इस तरह की और भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, YouTube शॉर्ट वीडियो बनाना बहुत आसान है। अब आप लोगों को करना क्या है, मेरे स्टेप को बस फॉलो करें। YouTube शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को YouTube एप्लीकेशन ओपन करना है। सबसे नीचे देखेंगे तो फुटर नेविगेशन बार में आप लोगों को सबसे नीचे बीच में आप लोगों को प्लस आइकन दिखाएगा, उस प्लस आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप लोगों को तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन वीडियो अपलोड करने का होगा, दूसरा होगा शॉर्ट वीडियो का। आप लोगों को शॉर्ट वीडियो के बटन पर क्लिक कर देना है। शॉर्ट वीडियो अपलोड करना भी बहुत आसान है। या आप लोग सीधा जो YouTube कैमरा जो दिया गया है इस YouTube शॉर्ट के अंदर, सीधा उसके अंदर से रिकॉर्डिंग करके आप लोग सीधा अपलोड भी कर सकते हैं, यानी कि पब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक कारण है, और अगर आप लोग YouTube का जो कैमरा दिया गया YouTube शॉर्ट के अंदर अगर उसका यूज़ करके अगर आप लोग वीडियो बनाते हैं तो आप लोग उसके अंदर खुद का म्यूज़िक लगाना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, तो सब कुछ आप लोग आसानी से कर पाएंगे। जैसे आप लोग कैमरा के बटन पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऐड म्यूज़िक या और भी बहुत सारे, जैसे कि फ़िल्टर, ट्रिम या और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं आप लोगों को दिखेंगी, तो सब आप लोग यूज़ कर सकते हैं उन सब टूल्स का आप लोग अपने वीडियो बनाने के लिए शॉर्ट वीडियो में। और ध्यान रहे कि जो भी आप लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हो 15 सेकेंड से ज़्यादा का रहना चाहिए और 1 मिनट से कम का रहना चाहिए, यानी कि 60 सेकेंड से कम का। अगर आप लोगों ने वीडियो आप लोगों ने पहले से ही बना लिया है और कहीं और से बनाया है, कुछ और तरीके से बनाया है, आप लोगों ने अपने मोबाइल के कैमरे का यूज़ करके बनाया है, तो आप लोगों को सबसे जहाँ पर जो रेड कलर का जो कैमरे का बटन दिखता है उसके साइड में ही अपलोड करने का एक बटन दिखता है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आप लोगों की वीडियो है उसको आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सीधा नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे नीचे या ऊपर कहीं पर भी आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जो आप लोगों ने वीडियो बनाया उसको फिल्टर करें, एडजस्ट करें, तो आप लोग जैसा चाहे वैसा उसके अंदर कुछ एनिमेशन लगाना चाहते हैं तो सब कुछ आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सब ऑप्शन काम करता है। अगर ये सब कुछ आप लोगों का जब हो जाता है तो आप लोगों को फिर से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो फिर आप लोगों के सामने लास्ट ऑप्शन आता है, जिसमें से आप लोगों को पहला ऑप्शन है शॉर्ट कैप्शन, यानी कि आप लोग अपने जो शॉर्ट वीडियो बनाया है उसका कैप्शन लिखिए, उसका टाइटल दीजिए कि आप लोग इस शॉर्ट वीडियो का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि पब्लिश करना चाहते हैं, अनलिस्टेड या प्राइवेट जो भी रहेगा, आप लोगों को जो भी करना रहेगा वो आप लोग कर सकते हैं। तो पब्लिश जिन लोगों को करना है सीधा पब्लिश पे ही रहने दीजिए, वो ऑटोमेटिक पब्लिश पे ही रहेगा, नहीं है तो पब्लिश कर देना। तीसरा ऑप्शन है कि आप लोग ये जो वीडियो बनाए हैं शॉर्ट वीडियो, ये किसके लिए है, बच्चों के लिए है या बूढ़ों के लिए है, यानी कि यंग लोगों के लिए है। बच्चों के लिए है तो इसमें दो ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें से पहला होगा कि ये वीडियो जो है वो चाइल्ड के लिए है, बच्चों के लिए है, या दूसरा वीडियो होगा ये कि ये वीडियो चाइल्ड बच्चों के लिए नहीं है, ये बाकी 18 साल के ऊपर वालों के लिए है। तो उस तरह से आप लोग दूसरा ऑप्शन वाला सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप लोगों को अब कुछ भी करना नहीं है, सीधा ऊपर सबसे ऊपर अपलोड का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और इतना करते ही आप लोगों का वीडियो जो है वो पब्लिश हो गया। अब पब्लिश होते ही अब आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग वेट कीजिए अब आप लोगों के वीडियो का वायरल होने का। और ध्यान रहे कि जब आप लोग शॉर्ट वीडियो अगर बना रहे हैं तो दिन में कम से कम 3 से 4 वीडियो अपलोड कीजिए, क्योंकि 3 से 4 वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों की वीडियोज़ वायरल होने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। जिन लोगों को पता नहीं कि यूट्यूब के अंदर एक मिशन चालू है, एक टारगेट चालू है, 100 मिलियन फंड्स रेस्ट कर दिया गया है, जो लोग भी जीतना चाहते हैं, जो लोग भी इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाना होगा। और जिनकी भी शॉर्ट वीडियो वायरल होती है, अच्छा खासा व्यूज़ आने लग जाता है, तो उनको अलग से ईमेल के जरिए हर महीने के 10 तारीख के अंदर ही एक ईमेल प्राप्त होता है, जिसमें बोला जाता है कि आपने इतना पैसा अर्न किया है। $100 से ऊपर का होता है, $100 से लेके $10,000 के बीच में आप लोगों को कितना भी मिल सकता है आप लोगों के जो शॉर्ट वीडियो वायरल हुई है उसके हिसाब से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि आप लोग अपना शॉर्ट वीडियो कैसे बना सकते हैं, कैसे पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों को रिप्लाई और हेल्प जरूर करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई सोच के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।